नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिस। यल आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरे लिए अभी एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी जो है उसे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछेंगे कि मान लीजिए एक गधा और एक कुत्ते में रेस लगी है, और ये रेस है कि शहर को कौन क्रॉस कर पाता है पहले, तो कौन क्रॉस करेगा। कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर लिखिएगा। अब कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि गधे और कुत्ते के बीच में ये तय हुआ कि मतलब एक समझो रेस हुआ कि कौन शहर को पहले क्रॉस करेगा। जो पहले क्रॉस कर जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो कुत्ता काफी खुशी खुश था क्योंकि वो तेज दौड़ भी सकता था, उसका बुद्धि भी तेज था, सब कुछ शहर भी उसको देखा हुआ था, तो वो काफी खुश था कि जीतेंगे तो हम ही। लेकिन जब रेस की बात हुई, रेस लगा, तो नेक्स्ट डे जो था वो गधा जीत गया। क्योंकि वही बात हुआ कि भाई गधा कैसे जीत गया, कुत्ता कैसे हार गया, एक चर्चा का विषय बन गया। तो यही हुआ निष्कर्ष जो निकला कि गधा को कोई टोकने वाला नहीं था, बस सब उसको देखता था पर कोई टोकता नहीं था, वो अपना आराम से धीरे धीरे क्रॉस कर गया। कुत्ते के साथ समस्या क्या हो रहा था कि वो एक चौराहा क्रॉस करता था, दूसरे चौराहे पे कुत्ते का झुंड मिल जाता था उसको, और वो उस पर हमला कर देता था, उसको आगे नहीं बढ़ने देता था। ठीक ऐसा ही देखिए, वहां पे तो कुत्ता हार गया, गधा जीत गया, हमें कोई मतलब नहीं, गधा जीते कुत्ता जीते हमको क्या मतलब। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, चाहे आप रियल लाइफ में कंपटीशन का भी देख लो, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा होगा कि जो पढ़ने में कमजोर रहता है, जिससे आपको लगता रहेगा कि अरे इसका नहीं हो पाएगा, फिर भी उसका हो जाता है। भले ही लोग कह देते हैं कि उसका पैसा देके हुआ होगा, मैं मानता हूँ 80% उसको पैसा देके ही हुआ होगा, या 20% को तो बिना पैसा देके होता होगा, ठीक है ना। तो पैसे वाले चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कमजोर भी था उसको भी नौकरी हो गया, वो भी ठीक ठाक स्थान पर पहुंच गया है। मेन यही होता है कि उसको कोई टोकने वाला नहीं है। जब भी उसको कोई बोलने जाएगा ना, अपने दिमाग में यही रहता कि यार इसको क्या बोले, तो किसी का मानता ही नहीं है, तो उसको कोई टोकने वाला नहीं है। वो अपने मन में चाहे गिरेगा उठेगा, लेकिन वो पहुंच जाता है। लेकिन जो थोड़ा ठीक ठाक होता है ना, उसको ज्ञान देने वाला सब आ जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आप 10th क्लास में अगर आपका थर्ड डिवीजन आएगा मान लीजिए, और किसी को फर्स्ट डिवीजन आएगा, जिसको थर्ड डिवीजन आया ना, वो चाहे आर्ट रखे, कॉमर्स रखे, साइंस रखे, वही उसको टोकने वाला है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। वो कोई फर्स्ट डिवीजन ला ले, 80% 90% इतना अगर ले आया ले, उसको जबरदस्ती कोई ना कोई पहुंच जाएगा, तुम साइंस रख लो, साइंस से बहुत स्कोप है, फिर इंजीनियरिंग कर लेना, डॉक्टर कर लेना, लेकिन आर्ट वाले के पास कोई नहीं आएगा। तो यही होता है, अगर आप तेज बनिएगा ना तो आपके पास बहुत सारा बोलने वाला आएगा, तो आपको अवॉइड करने का कैपेसिटी होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, पर धीरे धीरे इसको डेवलप कीजिए और किसी का नहीं सुनिए। स्टार्टिंग में सब बोलेगा, लेकिन एक बार जब सबके चला जाता है ना कि यार ये किसी का नहीं सुनता है, तब वो सब आपको बोलना बंद करेगा। जब तक बोलने वाला रहेगा और उसकी बातों में आप आते रहेंगे, तब तक समस्या ये क्रिएट होता ही रहता है। तो इस चीज़ सबसे थोड़ा बचिए, क्योंकि समझदार आप भी हैं, अधिक अगर टोकने वाला आएगा, आप कितने भी एक्सट्रीम है वो परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि अभी ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, तो ऐसा बहुत मिलेगा कि यार तुम पटना में रहकर तैयारी कर रहे हो, वो दिल्ली में रहता था, लखनऊ में रहता था, इसलिए उसका हो गया, तुम भी वहां चले जाओ। तो ज्ञान देने वाला बहुत मिलेगा, इसलिए रोकने टोकने वाले से दूर रहिए। आप भी इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अपना बुद्धि का सही यूज कीजिए, बस रोकने टोकने वाले से दूर रहिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है, वो सब डाइवर्ट करता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।